हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आफ्टर इफेक्ट के एक नए एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। तो शुरू करते हैं न्यू कॉम्पोजिशन 9020 1080 एंड ड्यूरेशन 5 सेकेंड। यहाँ हम लोग न्यू सॉलिड बनाते हैं और इस लेयर को लॉक कर दीजिए। में क्या करना है, यहाँ रेक्टेंगल टूल में जाना है और शिफ्ट के साथ में राउंड बनाना है, छोटा सा एक छोटा सा सर्कल बनाया और यहाँ से अलाइन से हमने इसको सेंटर करना है। यहाँ हम लोग इसका विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। फील्ड में जाके इसका कलर सेंटर का चेंज और यहाँ से हम लोग आउटर स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। रेड रखिए, ब्लू रखिए, कुछ भी, डेट्स गुड। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ हमने साइज और पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाना है। तो मैं यहाँ 1 सेकेंड का बना रहा हूँ, तो इसे हम लोग 1 सेकेंड पे लेके जाते हैं। देन पोजीशन को आप थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, तो माइनस में करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ ऊपर तक चला जाएगा, एंड तक। हम इसे एंड तक लेके जाएंगे, गुड। और यहाँ से हम इसकी इसे 0 कर दें। हम चाहें तो इसके विड्थ पे 0 कर सकते हैं, उससे हमारा मैंने सिर्फ इसकी हाइट को 0 किया है। हम लोग चाहें तो इसका विड्थ को भी 0 कर सकते हैं। साइज में तो इसके बाद हमें यहाँ ऐड पे एक छोटा सा प्ले बटन नजर आ रहा है। यहाँ से हमने रिपीटर पे जाना है। तो रिपीटर पे जाने के बाद हमने यहाँ हमने इसको बढ़ा लेना है कि हमें 8 से 10 कितनी कॉपीज चाहिए इसकी। जैसे यहाँ 10 कॉपीज कर दी, गुड। तो हमारा ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। बेसिकली हम लोग इस में आपको सिर्फ यहाँ 2 ट्रांसफार्मर होती है, एक रिपीटर की होती है, एक नॉर्मल होती है। तो ये हमने रिपीटर की में उस ट्रांसफार्मर में जाना है और यहाँ से रोटेशन करना है। रोटेशन क्या करना है, हमने 360 और हमने कितनी कॉपीज बनाई थी, तो हमने 10 कॉपीज बनाई थी, तो /10, ठीक है। और अब हम देखेंगे तो, और ये तो कुछ और ही बन गया है भाई। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपल ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिंपल पोजीशन में 0, तो ये हमारा राउंड बन जाएगा। अभी प्ले करके देखिए, गुड। तो ये हम लोग इस तरह से एक विजुअल्स भी बना सकते हैं। मैंने राउंड लिया, राउंड के अलावा आप कोई भी शेप ले सकते हैं इसमें। अभी हमने रिपीटर पर क्लिक किया, देन एक और रिपीटर बनाते हैं। ऐड में जाइए और यहाँ से एक और रिपीटर ऐड कीजिए। तो ये यहाँ कुछ मिक्स होके आ रहा है,
तो इसमें भी आप कॉपीज, 3 कॉपीज हैं। और पेट्रा 2 में आप जाएंगे तो यहाँ हमने नीचे जाना है ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 में, सेम पोजीशन वही करना है। यहाँ हमने 0 करना है और रोटेशन में हमने 360/3 करना है, बिकॉज हमने सेकंड रिपीटर में उसकी 3 कॉपीज ली है, 3 करना है। तो एक ग्राउंड बन गया। और अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा स्केल करते हैं। गुड, यहां से देखते हैं एक बार। ओके गुड है, बट इसे थोड़ा और स्केल करते हैं। यहाँ लाके थोड़ा इसे स्केल और कीजिए, कम कीजिए। यहाँ यह ठीक है। तो इस तरह से एक रिपीटर की मदद से हम लोग इसका विजुअल्स बना सकते हैं। देखिए तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।